hello everyone welcome to Europe education I am Jitendra Tyagi so you know Gale is a very good public sector in India and all of us who are from engineering background especially we all want, want to work with such PSU like Gale ok so uh, now they have given one shortlisting uh, here, here you can see list of candidates shortlisted for further selection process for the post of senior engineer mechanical in E2 grade अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट नंबर ओके दिस नंबर इज गिविन हीयर यू कैन सी सो गेल ने जो मकैनिकल इंजीनियरिंग में सीनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए ठीक है एक्सपीरियंस पोस्ट के लिए ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया था उसी के अंदर उन्होंने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया है फॉर द पोस्ट इंटरव्यू प्रोसेस ओके फर्दर प्रोसेस में मेनली इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे दे में कंडक्ट सम जी टी आल्सो बट मेन चांसेज ऑफ इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू ओके सो हेयर यू कैन सी द लिस्ट कंटेंस रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द स्टूडेंट एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट ऑफ सेलेक्शन प्रोसेस ओके सो टेंथ ऑफ जनवरी से ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ओके okay. सो so, पहले तो जिनका भी यहाँ पर नाम है जो इस जॉब को लेना चाहते हैं उन सभी को मैनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स और नए साल की भी शुभकामनाएं ओके okay. आप सभी का सलेक्शन यहाँ पर जो मेहनत करेंगे हो जाना चाहिए ओके okay. सो so, सारे रोल नंबर्स और डेट वाइज यहाँ पे देख सकते हैं सो so, अभी देखो हमारे पास लगभग टेन डेज़ का टाइम है अगर हम इस डेट्स को करें चेक तो टेन और कुछ लोगों के पास तो फिफ्टीन डेज़ का भी टाइम मिलेगा जिनके इंटरव्यू थोड़ा लेट होंगे सो मिनिमम टेन डेज़ का ड्यूरेशन है तो टेन डेज़ का ड्यूरेशन किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मोर देन सफिशेंट होता है अगर आप सीरियसली उसको प्रिपेयर करें देन दिस इज़ द सफिशियन टाइम ओके आपको बस यूटिलाइज करना है प्रॉपर टाइम अपना ओके okay. अब हमने बहुत सारे इंटरव्यूज यूरोप एजुकेशन ने कंडक्ट किए हैं सीनियर पोस्ट के लिए डिफरेंट पी में लाइक like ओ में सेल में गेल में बी एच एल में सब में करते हैं जहाँ भी रिक्रूटमेंट निकलता है एक्सपीरियंस पोस्ट के लिए ठीक है उन सब में वहाँ पे कॉमन चीज़ जो नोटिस की जाती है ठीक है कि जो क्वेश्चन हैं वो एक तो आपकी करंट प्रोफाइल से पूछे जाते हैं अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं सो डेफिनेटली वट वर्क यू आर डूइंग राइट नाउ दे आर गोइंग टू आस क्वेश्चन फ्रॉम दैट वर्क कि आपने उस वर्क में कितनी अच्छी कमांड हासिल की है जो बेसिक नॉलेज चाहिए वो आपको है कि नहीं ठीक है ना करंट प्रोफाइल में आप कितने एफिशिएंट हैं ये टेस्टिंग डेफिनेटली वो करते हैं ओके okay. सो so, सबसे पहले तो आपको उस पर वर्क करना है कि वाट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ उसमें आपको एक्सपर्टाइज दिखानी है अपनी थोड़ी सी तो उन सारी चीजों को आप रिकॉल कर लें सारे इक्विपमेंट जिनसे आप डील करते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स उन सब के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन रिवाइज कर लें कलेक्ट कर लें कॉपी में नोट कर लें ठीक है एक तो ये पॉइंट हो गया कि आपसे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपकी जॉब से पूछे जाएंगे दूसरा क्वेश्चन जॉब से अलग थोड़ा सा आपसे एचआर टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके ठीक है आपके इंटरेस्ट क्या हैं आप सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन मतलब आपने कोई काम आप कर रहे थे तो इस सिचुएशन में आपने क्या किया अगर ऐसा हो तो आप क्या करेंगे ठीक है तो इस तरीके की कुछ क्वालिटीज आपकी चेक की जाती है राइट तो, <coughs> उसके अलावा थोड़ा जनरल अवेयरनेस भी कई बार पूछा जाता है कि भाई आप केवल ऐसा तो नहीं कि केवल अपनी किताबों में या अपने काम में ही बिजी हैं दुनिया से आप कट हैं बिल्कुल तो दुनिया में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता आपको एक इंजीनियर को बहुत सारी नॉलेज रखनी पड़ती है अपने माइंड में और उसको दुनियादारी के बारे में भी थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए तो आपको अवेयरनेस होना चाहिए वर्ल्ड में क्या चल रहा है करंट अफेयर जिसको हम बोलते हैं बहुत डेप्थ में नहीं जाना लेकिन जो बहुत बड़ी बड़ी इवेंट अगर कुछ ऐसा आपको नजर आती हैं स्पेशली जो आपके वर्क से रिलेटेड भी हो ठीक है तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको रखना चाहिए ठीक है जैसे मान लिया कि अभी वंदे भारत ट्रेन का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है हर जगह बार बार हम नई नई वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया आपसे क्या है भैया ठीक है, है ना क्या यूनिक अलग है इसमें बाकी ट्रेन से या उसमें मैकेनिकल की नज़र से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया ऐसे जनरल सिचुएशन के ऊपर क्वेश्चन जो चल रही है कंट्री के अंदर या वर्ल्ड में एक दो क्वेश्चन ऐसा पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है लेकिन इसकी कोई सिलेबस नहीं है कोई लिमिट नहीं है तो बहुत ज़्यादा भी उस पर स्ट्रेस नहीं डालना है आपको मेन आपको पहले दो पॉइंट पे फोकस करना है ओके okay? सो so अगर ये दोनों पॉइंट आपने अच्छे तरीके से कर लिए स्टार्टिंग वाले और तीसरे पॉइंट पे भी फोकस कर लिया डेफिनेटली आपके इंटरव्यू क्लियर होने के पूरे चांस रहेंगे ओके okay? थोड़ा सा फैमिली के बारे में भी जानना चाहते हैं पर्सनल की फैमिली की तरफ से आप किस तरीके से हैं मतलब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप कहाँ रहते हैं कैसे मैनेज करेंगे अगर डिस्टेंस दूर है तो होम टाउन वाइफ अगर सब मैरिड है तो वाइफ क्या करते हैं ठीक है ना तो फैमिली डिस्टर्ब तो नहीं है ठीक है उस तरीके की सु, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो आपसे ओके okay. अगर ये सारे अच्छे तरीके से आपने हैंडल किए डेफिनेटली यू कैन क्लियर द इंटरव्यू नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिपेयर देखो आप लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं यू हैव नॉलेज आपने सारी चीजें सीख ली हैं लेकिन फिर भी एक इंप्रूवमेंट का स्कोप हमेशा आपके लिए रहेगा सभी के लिए रहता है बिकॉज इन सब में सारे अच्छे कैंडिडेट्स हैं ऑल दीज आर गुड कैंडिडेट्स बट दे कैन नॉट एक्सेप्ट ऑल ऑफ दिल्टर आउट करना है ना उनको तो कुछ तो फिल्टर आउट करने के लिए क्राइटेरिया वो चेक करेंगे आपका तो आपको सेल्फ इवेल्यूशन आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ओके सभी परफॉर्म करेंगे सभी को लगेगा आई एम ओके बट कोई दूसरा अगर ये बताएगा आपको थोड़ा सा तो ज्यादा बेनिफिट होगा ओके तो अब कौन बताएगा आपको यह सो so, ऐसा प्लेटफॉर्म है यूरोपियन एजुकेशन जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है चाहे फ्रेशर कैंडिडेट हो चाहे एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो कि वहां पे मोक इंटरव्यूज के थ्रू आपको रिहर्सल हो जाता है ठीक है आप स्नैप इंटरव्यू ज्वाइन कर सकते हैं टेक्निकली सारे सब्जेक्ट के इंटरव्यू लगा सकते हैं उससे आपके सब्जेक्ट की नॉलेज टेस्टिंग हो जाएगी क्योंकि सब्जेक्ट की नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है जो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट पढ़ते हो आप सोम सोम का इंडस्ट्री में यूज कर रहे हो ना सोम के कंसेप्ट कौन से ज्यादा यूज होते हैं उसके बारे में बेसिक प्रिंसिपल्स तो पता होनी चाहिए ना थर्मोडानेमिक्स आप यूज कर रहे हो ठीक है मेटर के बारे में आप पढ़ रहे हो तो इन जो टेक्निकल सब्जेक्ट भी है उनसे टच नहीं छूटना चाहिए अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तब भी क्योंकि तब भी आपसे बेसिक क्वेश्चन तो वो सारे क्योंकि मैकेनिकल पूरा उन्हीं उन्स पे है जो आप प्रिंसिपल्स पढ़ते हो सारे उन्हीं के ऊपर मैकेनिकल इंजीनियर चलती है तो वो बेसिक प्रिंसिपल सारे आपसे पूछे जाएंगे उनको रिवाइज करना टेक्निकल तो आपका टेक्निकल टच कौन टेस्ट करेगा मेंटर्स ओके सो आपको ये मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम हेल्प करेगा अगर आप ज्वाइन करते हैं राइट सो अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेस टू ऑल ऑफ यू all the best prepare well for this interview okay